हम एडवांस एक्सेल की क्लास करते करते पहुंच गया है डे 17, मतलब हम बात कर रहे हैं एक्सेल की पिवट के ऊपर। जी हाँ, डैशबोर्ड विद पिवट टेबल। तो अगली हमारी कुछ क्लासेस पिवट टेबल और पिवट टेबल से रिलेटेड डैशबोर्ड्स पे आपके साथ चलेगी। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बार चीज जान लेते हैं कि हमारा डैशबोर्ड से पहले पिवट टेबल क्या होता है। हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर किया था देखने के लिए, आई थिंक आपने देखा होगा। तो चलिए हम पिवट टेबल के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले जानिए पिवट टेबल है क्या। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट 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 अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में कहा जाता है समरी ऑफ द डेटा। डेटा को समराइज किया जाता है हर एंगल से। डेटा को समराइज किया जाता है हर एंगल से। इसका मतलब कि पिवट टेबल लगाने से पहले हम डेटा को अच्छे तरीके से समझ ले। तो जो डेटा आपके सामने दिख रहा है एक सेल्स का डेटा है कि किस रेट को किस पर्सन ने किस सिटी में कौन सा कोर्स कितनी क्वांटिटी और कितनी एमआरपी को किस मंथ में बेचा है, किस मंथ के लिए बेचा है। राइट, सिंपल है। पिवट लगाने से पहले एक बार देख लीजिए आपका कोई हेडिंग वगैरह ब्लैंक तो नहीं है, डेटा के अंदर कोई फालतू डेटा तो नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है। चलिए अब हम इसको सेलेक्ट कर ले या बिना सेलेक्ट किए भी लगा सकते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल पिवट टेबल में हम सबसे पहले बात करेंगे समरी। सबसे पहले समरी, क्योंकि मैंने बताया था कि पिवट टेबल का काम होता है एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो यहाँ पिवट टेबल पे आते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाते हैं, समरी में आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ओके। ये पिवट लग गया। तो ये जो दिख रहा है इसको पिवट एरिया कहते हैं और इस पे हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लगाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि पिवट टेबल जब आप लगाते हैं तो पिवट टेबल लगाते समय आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी का सेल किया है, सिंपल। तो हमने समरी के अंदर गए और यहाँ पे नेम को उठा के रो में रख दिया। नेम को उठा के कहाँ रख दिया, रो में रख दिया। ठीक है, और क्वांटिटी को उठाया और हमने इसको वैल्यू में लिख दिया, ते बन गई। अब ऊपर रो लेवल आ रहा है ना, इस रो लेवल को हटाया, इसको मैंने कर दिया नेम। तो क्या कर दिया, नेम सम ऑफ द क्वांटिटी को टोटल सेल्स। इस तरह के रिनेम कर सकते हैं हम, इनको भी रिनेम कर सकते हैं। रिनेम किसको चेंज नहीं कर सकते, तो जो वैल्यू आती है उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। हालांकि इसको सिलेक्ट करके जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग हम लगाते हैं, ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग लगाने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा डिजाइन टाइप के अंदर रिपोर्ट लेआउट, और यहां से आप यूज करें। जैसे कि ये रहा आपका, मैं यहां से भी फॉर्मेटिंग ले लूं। ये फॉर्मेटिंग पिवट का पार्ट होता है, चेंज नहीं होता, इसलिए यहां से ले सकते हैं। उसके बाद चार्ट्स वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हैं जो पिवट के साथ कनेक्टेड होंगे, और चार्ट के भी यहाँ पे देख जाएंगे ब्रश पे, जिसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग का चार्ट लेना चाहे वो क्लिक करके ले सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को किसी को भेज सकते हैं, मैं सिर्फ रिपोर्ट ही भेजना है, कोई बात नहीं। राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और एक नई फाइल में डाल के इसको मेल कर दीजिए। मेल कर सकते हैं सिंपली, हेडिंग वगैरह डालना है तो ऊपर हेडिंग वगैरह डाल के रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल थी। अब हम बात करते हैं कि हमें कुछ और समरी बनानी हो तो कैसे करेंगे। तो हम समरी क्योंकि पहले के डेटा को डिलीट मारते हैं और यहाँ पिवट टेबल पे आते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल। अब यहाँ पे न्यू वर्कशीट हमेशा आता है, आप इस जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे और चले जाइए एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओके।
छोड़ लीजिए इसको। यहां पिवट टेबल हमारा आ जाएगा। अब इस पिवट टेबल में जैसे कि मैंने नेम रखा, हाँ मैंने यहां पे सिटी रखा और यहां पे मैंने क्वांटिटी रख दी। हालांकि सिटी को उठा के मैं कॉलम में भी रख सकता हूं इस तरह से। देखिए कॉलम में रखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में आता है। जैसे मैं मान ले सिटी की जगह पे मंथ रखता हूं तो देखिए इस तरह से मंथ तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में आएगा। या कोर्स रखते हैं तो कोर्स को भी आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। तो कोर्स लिया, कोर्स को यहां रख दिया या इसके नीचे रख दीजिए इस तरह से। तो कॉलम में रखेंगे तो जैसे ब्लैंक आ रहा है इसको मुझे जीरो करना है तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस और यहां हमने जीरो करके ओके कर दिया। तो ये देखिए आपका यहां पे आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा हम कॉलम में उसी फील्ड को रखते हैं जिसका काउंट कम। अब यहां 2400 काउंट होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो यहां पे इसलिए रखते ताकि कम हो, लेकिन जब ज्यादा काउंट होता है तब इसको कॉलम को उठा के रो के नीचे इस तरह से रखते हैं। अब यहां देखिए एक प्रॉब्लम है छोटी सी। एक ही कॉलम के अंदर हमारा नेम भी है और कोर्स भी है। अब यहां समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है कौन सा नेम है कौन सा कोर्स है। तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में ये जो डिस्प्ले होगा आपका, डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट ले सकते हैं या फिर एनालाइज के अंदर डिजाइन के अंदर रिपोर्ट लेआउट और यहाँ पे शो टेबलर फॉर्म करेंगे तो इस अलग अलग टैब में आ जाएगा। अब नीचे यहाँ देखिए सबका सब टोटल दिख रहा है, साथ में एक्सपेंड कोलैप्स है इस तरह से, मतलब समरी ऑफ द समरी कह सकते हैं आप। यहाँ पे एनालाइज के अंदर यहाँ पे होता है यहाँ पे कोलैप्स एक्सपेंड इस तरह से। तो समरी ऑफ द समरी होता है, आप देख सकते हैं पूजा के अंदर कितना उसका टोटल कितना है सब यहाँ दिखता है। अब ये चीजें रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा प्लस मैनेजर का बटन, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पूजा टोटल, कविता टोटल, मोहन टोटल, ये टोटल जो सब टोटल जो है मुझे हटाना है। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहां से अनचेक कर दीजिए, हट गया। अब समटाइम प्रॉब्लम होती है तो यहां पे मुझे इसको रिपीट करना है। तो डिजाइन में जाएंगे, यहां देखिए रिपीट ऑल आइटम, और कई बार मुझे रिपीट की जगह पे इसके नीचे जो है एक ब्लैंक लाइन भी इंसर्ट करना है। तो यहां पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, एक ब्लैंक लाइन भी इसने इंसर्ट कर दिया। मुझे हटाना है तो रिमूव कर दीजिए, यहां भी डू नॉट रिपीट कर लीजिए। तो मुझे क्या करना है, इनको मर्ज करना है। तो सेलेक्ट करके मैं मर्ज पे क्लिक किया एंड ओके, तो मर्ज नहीं हो। तो मर्ज करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा पिवट टेबल ऑप्शंस और यहां पे मर्ज एंड सेंट्रल क्लिक करूंगा एंड ओके। ये देखिए हमारा मर्ज हो गया। इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। दूसरा आता है कि यहाँ डैशबोर्ड में 87, अगर मैं इस पर दो बार डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे एक नई शीट में इसका डेटा आ जाता है।
तो क्या होता है कि कहीं भी मैं मान लीजिए कि यहाँ पे अभी BI के अंदर 367 है, जिसपे डबल क्लिक करोगे तो अलग सेल पे BI का टोटल आ जाएगा। दस डबल क्लिक करते ही मैं फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करें इसका जो इसको डिसेबल भी करना चाहे तो कैसे करें, तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पिवट टेबल ऑप्शंस, और पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में यहाँ डेटा दिख रहा हो, डेटा में जाइए, अनेबल शो डिटेल्स आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ अनचेक कर दीजिए। इसको अनचेक करने के बाद कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगा। अब चलिए हम बात करते हैं सॉर्टिंग, मूविंग एंड फिल्टरिंग के बारे में, कि सॉर्ट, मूव और फिल्टर कैसे करेंगे। तो मेरे पास मान लीजिए मैंने पिवट बनाया हुआ है, सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉर्टिंग का, तो राइट क्लिक करके मैं सिंपली यहां से सॉर्ट कर सकता हूं, शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू ए, सिंपली जिस पे राइट क्लिक होगा इस पे किया तो इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। तो इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम में रख दिया, राइट क्लिक करके मैं यहां से भी इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए। लेकिन मूविंग की बात होती है तो कभी कभी क्या होता है कि आपने हिसाब सिक्वेंस बनाना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ को रख दिया, एक मिनट दोबारा से लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे हमने मान लीजिए मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी लिए हुए हैं और हमने इसको गलती से कर दिया शॉर्ट, शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू, तो मुझे इसको अपने हिसाब से अरेंज करना है तो कैसे करें। तो कभी कभी क्या, अभी शॉर्ट करते हैं, जैसे शॉर्ट ए टू जेड करते हैं तो ग्रैंड फाइव आया, लेकिन हर प्रश्न नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिक शॉर्ट करता है। तो हम इसको मूव कर देते हैं, जैसे मुझे मान लो कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो अप्रैल से दिसंबर तक ऊपर आएगा, उसके बाद जनवरी को बढ़ जाएगा, तो इसको उठा के और सिंपली हम ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं आगे। तो आप अपने हिसाब से मूव कर सकते, इस कोर्स यहाँ रख दिया। अब कोर्स में मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक्सेल आए, तो एक्सेल को लिया और यहां से मूव कर दिया क्लिक करके, उसके बाद वीवी आना चाहिए, वीवी को सिलेक्ट किया और लेके यहां से यहां तक मूव कर दिया। उसके बाद मान लीजिए एक्सेस है, BI है, डैशबोर्ड आना चाहिए, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, तो सिंपली मूव आप कर सकते हैं। मूव के बाद हम बात करते हैं फिल्टर, इसका फिल्टर क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए तो यहां से क्लिक करके पर्टिकुलर पार्ट को आप फिल्टर कर सकते हो, यहां से जिसको क्लिक करेंगे वही आपका शो होगा, जिसको क्लिक नहीं करेंगे वो शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ लेवल फिल्टर के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं आप, ठीक है, कि कंडीशन के यहाँ पे फिल्टर हो। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो जो वैल्यू फिल्टर आपको दिख रहा होगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे टॉप 10 करना है तो टॉप 10 सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो टॉप 10 ही शो हो। तो इस तरह से आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने यहाँ इसके ऊपर कोर्स रखा हुआ है और मुझे फिल्टर कोर्स अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा, कॉलम फिल्टर है, यहां से हम कॉलम को भी फिल्टर कर सकते हैं सिंपली, ये आपका कॉलम फिल्टर हो गया। लेकिन एक पेज फिल्टर होता है कि मुझे पूरा का पूरा रिपोर्ट सिटी के हिसाब से देखना है, तो सिटी को उठा कर रख दिया मैंने फिल्टर के अंदर। अब मैं यहाँ पे कोई भी सिटी सेलेक्ट करूंगा तो पूरा रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ये फिल्ट्रेशन होता है। इसका यूज हम स्लाइसर में भी करते हैं, जैसे कि हम यहाँ जाते हैं स्लाइसर, तो डिजिटल फिल्टर की तरह वर्क करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया सिटी एंड कोर्स एंड ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पूजा सेलेक्ट करूंगा तो ये पूजा के अकॉर्डिंग आएगा, डैशबोर्ड सेलेक्ट किया डैशबोर्ड अकॉर्डिंग आ गया, तो जिसको सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब बात करते हैं ग्रुपिंग के बारे में। ग्रुपिंग
जैसे मान लीजिए मुझे इसको क्वार्टरली रिपोर्ट बनानी है, क्या बनने वाली है? क्वार्टरली रिपोर्ट। ये मंथली रिपोर्ट है, मुझे इसको क्वार्टरली रिपोर्ट में शो करना है। मैं कोर्स हटा देता हूँ यहाँ से, क्वार्टरली रिपोर्ट में शो करना है। तो कैसे करें? तो हमने सबसे पहले जैन फेब मार्च को लिया, राइट क्लिक किया और इसको किया ग्रुप। तो ग्रुप पर यहां देखिए मंथ टू और मंथ आ गया, तो मंथ टू को रहने दीजिए और मंथ को यहां से रिमूव कर दीजिए। अब यहां पे ग्रुप वन आया, इसको कर दीजिए क्वार्टर वन। फिर मैंने अप्रैल मई जून को लिया, राइट क्लिक ग्रुप। अब जो ग्रुप टू, यहाँ मंथ टू नहीं आएगा, अब ग्रुप टू आया, इसको कर दीजिए क्वार्टर टू, सॉरी जीरो हो गया, क्वार्टर टू। फिर जुलाई अगस्त सितंबर है, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक ग्रुप, ये जाएगा हमारा क्वार्टर थ्री एंड द लास्ट क्वार्टर फोर, राइट क्लिक ग्रुप एंड क्वार्टर फोर। अब इसको उठा के हम उसके ऊपर रख सकते हैं, इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी टैक्स की ग्रुपिंग। क्या थी? टैक्स की ग्रुपिंग। तो बात करते हैं नंबर ग्रुपिंग में। तो नंबर ग्रुपिंग में यहां पे नंबर ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो पिवट टेबल हमने लगाया हुआ है, पिवट टेबल हमने यहां लगाया हुआ है। तो पिवट टेबल में हम मान लीजिए कि क्वांटिटी को रख दिया यहां पे, एमआरपी को, एमआरपी को रख दिया हमने यहां पे। ये तो फिलहाल ग्रुप का किया हुआ है, ऐसा आ रहा है ग्रुप करते हैं। तो इस तरह से आएगी, तो मैंने 2020 की एमआरपी वाले 76 क्वांटिटी बिके हैं, 2028 वाले 58 बिके हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि एक स्लैब देना है कि 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 4000, इस तरह का। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम जाएंगे ग्रुप पे, और ग्रुप में यहाँ जीरो दे देते हैं और यहाँ 5000, मेरा मैक्सिमम 5000 सेल होता है, तो 5000 दे देते हैं। जरूरी नहीं चेंज करना, बट चेंज कर सकते हैं आप। फिर 1000 की ग्रुप दे देते हैं, है ना? ये देखिए इस तरह से यहां पे ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है? रितेश जी, समझ में आया आपको? सर पर जो 5000 दिया वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा मैक्सिमम लगा दी मैंने, आपके पास अगर मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक कीबोर्ड के अकॉर्डिंग ले लेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन है, वो स्लाइसर जो आपने बताया उसका यूज कहाँ होता है? स्लाइसर को अभी ये कीजिए, अच्छा ठीक है, अगली क्लासेस में हम स्लाइसर को डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए रितेश जी, कल हम बात करेंगे पिवट टेबल की ग्रुपिंग और बाकी चीजों के बारे में। पिवट ठीक है टेबल तो सर, मैं हालांकि एक ही दिन में पढ़ा देता, लेकिन थोड़ा सा पिवट टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आगे 5-7 ये लेनी है, क्लासेस लेनी है, तो